हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं एक और न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी के लिए अभी जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, यहाँ पर मैं पता लगाऊंगी आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, उनके दिल में क्या ऐसी बातें हैं जो वो शेयर तो नहीं कर पाते हैं आपके साथ, लेकिन वो चाहते हैं शेयर करना। ठीक है, तो ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो चाहते हैं वो आपको बताना लेकिन नहीं बता पा रहे हैं? ठीक है, मैं बहुत ही डीप मैसेजेस जानने की कोशिश करूँगी। लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, उनके दिल की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी इस रीडिंग के थ्रू। तो एंड तक देखना, आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देखते हैं क्या आता है। हमेशा की तरह गाइस बता दूं, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। और ये रीडिंग टाइमलेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर। दो मैसेजेस आए हमारे पास। ओ वाओ, ल्यूमिनोसिटी एंड इंटीमेसी। ओके, ये दोनों ही मैसेजेस बहुत अच्छे हैं। Distorted masculine, okay. And we have yin and yang. क्या बात है? Oh wow, we have resolving conflict. काफ़ी प्यारे messages आए हैं यहाँ से, true love और ekal date से बहुत ही प्यारे messages आए हैं। सबसे पहला message ये है जो शायद इन्हें बताने में बहुत ज़्यादा hesitation होती है। शायद जब आप दोनों बात भी करते थे तो भी ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे आप दोनों के बीच में जब ये आपको कह सकते थे कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत ही चार्मिंग हैं, चाहे लड़का है लड़की है जिसके लिए भी आप पूछ रहे हैं। इन्होंने कभी आपकी तारीफ़ नहीं की, इवन आप तारीफ के लायक थे, आप बहुत ही चार्मिंग, ब्यूटीफुल, एक मासूमियत थी आपके अंदर, ये सारी बातें इन्होंने कही नहीं। लेकिन हाँ, फ़नी वे में कही होगी कि यू आर वेरी फनी और समटाइम्स यू बिहेव लाइक अ कार्टून, इस तरीके से कभी कुछ कह दिया होगा। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर सच में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे उस टाइम पर। आप दोनों के बीच में जो भी बातें हुई थी वो दिल से हुई थी और ये बात ये चाहते हैं आपको बताना कि उस टाइम पर जिस भी इंटेंशन से बात हुई है वो बहुत ही प्योर थी, क्लियर थी, कोई धोखा नहीं था, मजाक नहीं था। लेकिन हाँ, बस ये आपको इन्होंने कभी बताया नहीं कि आप जिस तरह से शाइन करते हैं, आप जिस तरीके से इतनी अच्छी, आज अभी मैं करंट सिचुएशन के बारे में बोल रही हूँ, राइट नाउ आप बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो खुद को इम्प्रूव करने के लिए और आप जिस तरीके से शाइन कर रहे हो, ठीक है, आप एक ल्यूमिनोसिटी की एनर्जी फील कर रहे हो और आपकी जो ये शाइन है ना, ये आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा एडमायर हो रहे हैं और ये पर्सन आपको अडोर करते हैं, आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि हो सकता है ब्रेकअप है या फिर बहुत कम बातें होती है या फिर झगड़ा वगैरह। झगड़ा तो गाइज हुआ है आप दोनों के बीच में, लेकिन अब ये चाहते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना, रिजॉल्व कर देना, बिल्कुल ख़त्म कर देना, लेकिन ये बातें कहने में थोड़ा हेजिटेशन हो रही है। वो इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में है आपके पार्टनर, अभी सफ़र कर रहे हैं, हार्डशिप्स हैं इसके साथ, हो सकता है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए हैं इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल ये पर्सन लाइट की तरफ देख रहे हैं, इसको होप है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएगी, इस तरह की होप है। ये पर्सन हमेशा से ही आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन फील करते आए हैं, हमेशा से आपको फील कर सकते हैं, जब भी आपको देखते थे आपकी आंखों में खो जाते थे, आपकी आईज इस पर्सन को बहुत पसंद थी, आपके लिप्स भी बहुत पसंद थे, आपकी स्माइल सबसे ज़्यादा इसको पसंद थी और अभी भी है गाइज, अभी भी बहुत पसंद करते हैं ये आपको, आपकी पर्सनालिटी को, आपके बिहेवियर को, आपके नेचर को ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन भी फील करते हैं। चाहे आप कभी इनके साथ आपने ऐसे मोमेंट स्पेंड करे हैं या नहीं करे हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत क्लोज फील करते हैं, बहुत डीप फीलिंग्स हैं आपके लिए। ये इसलिए भी है कि आपका यिंग एंड यांग कनेक्शन यहाँ पर निकल कर आया है। हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हो सकता है आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हैं, लेकिन यस, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है, डिफरेंट है बाकी कनेक्शन से। और यस, ये यिंग एंड यांग की वाइब्स है यहाँ पर, यानी कि आप एक दूसरे के बिना अधूरे हो।
ठीक है, ये सारी बातें इस पर्सन को अंदर से फील होती है लेकिन कभी कह नहीं पा रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि गाइस इस पर्सन को लगता है कि अभी या तो राइट टाइम नहीं है या फिर अभी ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी नहीं है, बिकॉज ये डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में है। तो हो सकता है इस पर्सन को टाइम चाहिए खुद को इम्प्रूव करने के लिए, पर ये बातें भी आपसे कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन जल्दी ही ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके बीच में है ये इसे ख़त्म करना चाहते हैं, और ये बात चाहते भी हैं आपके साथ शेयर करना कि ये आपको बताए कि जो भी गिले शिकवे थे ये सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने के लिए रेडी हो रहे हैं और आपके पास जल्दी ही ये आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह की वाइब्स मैं यहाँ से ले पा रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से। चलिए अभी कुछ चांस देखेंगे हम बाकी कार्ड्स निकालने से पहले, क्योंकि काफ़ी टाइम से चांस रीडिंग नहीं की है, तो एक बार चांस देख लेते हैं और यहाँ से क्या मैसेजेस आएंगे ये भी देख लेते हैं। क्या चांस आपके लिए आएंगे, लेट्स सी। थोड़े बहुत अगर जोडियक साइन भी अगर हमारे पास आ जाए तो सही रहेगा। ओके, ये कुछ आए मेरे हाथ में। ओके, इतना ही देख लेते हैं। जोडियक साइन आए तो हैं, तीन आए हैं, इन्हें देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सेजिटेरियस है यहाँ पर, सेजिटेरियस और ओके सेजिटेरियस ऑप्टिमिस्टिक हैं ये इस कनेक्शन को लेकर राइट नाउ, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। ओके, वर्गो है यहाँ पर और प्रैक्टिकल भी हैं ये अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं अपनी लाइफ को ठीक करने के लिए कर रहे हैं और ये करना भी चाहिए इनको ताकि इस कनेक्शन में भी चेंजेस आ जाएं। एरीज बहुत ज़्यादा स्टर्बन है ये पर्सन, ज़िद्दी है, जब तक इसको सही समय नहीं लगेगा तब तक तो ये आपको नहीं बताएंगे। करेजियस हैं, प्रैक्टिकल हैं, स्टर्बन भी हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन में गुड लक है, ये कनेक्शन आप दोनों के लिए ही बना है स्पेशली, इस तरीके से सोचते हैं ये पर्सन। यहाँ पे दो दो प्लेन आ गए गाइस, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या फिर ये पर्सन स्टूअर्ट पायलट हो सकते हैं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है या फिर ये प्लान कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, आउट ऑफ कंट्री, पॉसिटिव भी हो सकता है। ये पर्सन बताना चाहते हैं आपको कि आप अक्सर इस पर्सन के ड्रीम में आते हैं और ये बात इस पर्सन को पसंद है, इस वजह से ये आपसे जुड़े हुए हैं। आप इसके ड्रीम में आते हो गाइस बहुत ज़्यादा। फिलहाल तो इसका दिल टूटा हुआ है। आई लव यू मिसिंग है, आप मिसिंग हो उसके लव में, आप इसकी लाइफ में मिसिंग हो। ब्रोकन हार्ट, ब्रोकन हार्ट गाइस। ओके, यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, यस, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस है, हो सकता है ये न्यूयॉर्क से है या फिर इनके रिलेटिव्स न्यूयॉर्क में है या फिर ये न्यूयॉर्क जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और मे बी न्यूयॉर्क के आसपास के एरियाज, ठीक है, ऐसा हो सकता है। इट्स अ हिंट फॉर यू, जल्दी ही अबंडेंस आएगा, जल्दी ही खुशियाँ आएगी इस कनेक्शन में, ये ऐसा कहना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एफल चार है, हो सकता है फ्रांस वगैरह से बिलोंग करते हों या वहाँ जाने के लिए सोच रहे हों, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये पर्सन अपने क्राउन चाक्रा पे वर्क कर रहे हैं, ये बहुत इसके अंदर एक क्यूरियोसिटी है राइट नाउ कि ये आपको सारी बातें बताए जो भी इसके माइंड में है, जो भी इसके हार्ट में है आपको लेकर, ये चाहते हैं आपको बताना, पर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी की वजह से हो सकता है ये रेडी नहीं है। इट्स ओके, सोलमेट्स, यस गाइस, यहाँ पे यिंग एंड यांग आया, यहाँ पर सोलमेट्स आ गया। सोलमेट हो आप, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। आई मिस आवर फर्स्ट डेट को मिस कर रहे हैं ये। एंड वी हैव यू आर माई सनशाइन, वाई नॉट। एंड वी हैव आई एम इन कार्मिक सिचुएशन, तो कार्मिक सिचुएशन में हो सकते हैं मे बी वर्क में बिजी हैं, मे बी किसी थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन जो भी है ये कनेक्शन स्ट्रांग है गाइज, इस कनेक्शन पर बिलीव कीजिए। आई बिलीव वी विल मीट अगेन, बिल्कुल बिलीव करते हैं ये, आप दोबारा से मिलोगे आप दोनों। यू आर माई एवरी थिंग, आपको अपना सब कुछ कह रहे हैं। यस, एंड वी हैव आई विल चूज यू, चाहे भले ही कार्मिक सिचुएशन में है लेकिन ये चूज तो आप ही को करने वाले हैं एट दी एंड। तो बहुत ही प्यारे मैसेजेस दिए हैं, और भी कुछ पता लगाते हैं आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या और मैसेजेस हैं जो वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। यहाँ से लव मैसेजेस देखेंगे गाइस, यहाँ से क्या मैसेजेस आएंगे आपके लिए। चलिए यहाँ से देख लेते हैं।
यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंस एंड प्रिंसेस. आप इनको एक प्रिंस और प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट करते हो. यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप एंड यू ऑलवेज विश फॉर माई सक्सेस. ये तो बिल्कुल सच्चाई है जो इस पर्सन को फील होता है. आप डेडिकेटेड भी थे, आप हमेशा विश करते हो उसकी सक्सेस के लिए. इस पर्सन को सारी बातें पता है. यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली. आप इनको हंसाते भी हो, खुश करते हो, अपना फील कराते हो. यू आर फनी. मैंने कहा था ना, इसने कभी भी ना आपकी डायरेक्ट तारीफ कभी नहीं की होगी. ये हमेशा यू आर वेरी फनी, समटाइम्स यू बिहेव लाइक अ कार्टून, और इस तरीके से इन्होंने कहा होगा. लेकिन जेन्युइनली ये जो फील करते हैं आपके लिए, एक यूनिक वाइब आती है आपसे. आप कार्टून नहीं हो इस पर्सन के लिए. आप एक ऑनेस्ट बेस्ट फ्रेंड और एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो जिसको ये एडमायर करते हैं. यू कैन रीड माई माइंड. इसे पता है कि आप इसका दिमाग रीड कर लेते हो. एंड यू मेक मी कम्प्लीट. कम्प्लीट तो आप दोनों एक दूसरे को करोगे ही ना, बिकॉज ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है. दैट इज़ वाई इस पर्सन को बहुत सारी बातें पता लग गई हैं. जल्दी ही आ जाएंगे ये आपके पास, जो मुझे यहाँ से वाइब्स आ रही हैं. यहाँ से भी मैं कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ. इसको बहुत जल्दी है मैसेजेस देने की. ओके. चलिए, आ गए मैसेजेस हमारे पास. इन्हें हम पढ़ लेते हैं. चलिए इनको देख लेते हैं. आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू. आई होप यू कैन फॉरगिव मी. सॉरी भी फील कर रहे हैं गाइस. ये भी मैसेज देना है इनको, और ये आशा कर रहे हैं कि आप इनको माफ कर देंगे एक दिन. यू आर माई होम. द होल ट्विन फ्लेम स्टफ समटाइम्स केयर्स मी. तो पूरा जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो भी इंफॉर्मेशन पैटर्न इनको समझ में आ रहे हैं, डराती है ये बातें इनको. इनको कम समटाइम्स डर जाते हैं कि बिकॉज एनर्जी में चेंजेस आते हैं तो घबराहट होती है इनको. यू कम इन माई ड्रीम्स. मैंने क्या कहा था आपको, क्या आप इनके ड्रीम में आते हो. और ये बात भी इनको बतानी है. इनको अलग अलग तरह के ड्रीम्स दिख रहे हैं आपके साथ, और ये चाहते हैं कि आपको बताएं कि मुझे आप तुम मुझे ऐसे दिखे, तुमने मुझे ये कहा ड्रीम में, तुमने मुझे ऐसे ट्रीट करा. आप इस पर्सन के ड्रीम में आते हो. देखो क्लियर कह दिया इस पर्सन ने, आई एम अवेकनिंग. इसी वजह से इसकी अवेकनिंग हो रही है. इसको ट्विन फ्लेम स्टफ्स के बारे में समझ में आ रहा है क्या होता है ये सब कुछ, ये कनेक्शन क्या है. आई एडमायर योर स्ट्रेंथ. मैंने क्या कहा था आपको, एडमायर करते हैं आपको, अडोर करते हैं ये पर्सन. यूनिवर्स इज पुशिंग मी एक्सेप्ट माई ट्रूथ. यूनिवर्स तो बहुत ज़्यादा इसको पुश कर रहे हैं कि ये एक्सेप्ट करें. आई एम स्केयर्ड ऑफ चेंजेस. तो चेंज से ये डर रहे हैं, लेकिन बदलाव तो इसको लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में. नो ऑप्शन. आई एम कमिंग बैक, प्लीज बी पेशेंस. वापस आ रहे हैं ये. आई कांट वेट फॉर द डे आई कैन कॉल यू माई वाइफ. वाओ वंडरफुल. आई एम जेलस ऑफ पीपल हु गेट टू सी यू एवरी डे. ओके, जेलसी भी है आपको लेकर. इट इज़ गुड. जेलसी होनी चाहिए अपने पार्टनर को लेकर. यू आर माई होम. ये दोबारा कहा इसने. आई बिलीव फेट इज़ द रीज़न फॉर अस. ये किस्मत, फेट, डेस्टिनी, इन सब पे बिलीव करने लगे हैं. आई एम कीपिंग डिस्टेंस बिकॉज आई नीड टू क्लियर माई इश्यूज. आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू. बिकॉज डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी में है, इसीलिए डिस्टेंस बना रहे हैं ताकि अपने इश्यूज क्लियर कर सकें. दैट्स ऑल. आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग. इसको पता था ये एग्जैक्टली क्या कर रहा है, तभी तो सॉरी फील भी कर रहा है. द लव वॉज सो इंटेंस दैट इट स्केयर्ड मी. ये प्यार इतना गहरा, इतना इंटेंस होने लगा था कि ये डर गए. इस वजह से इसने आपसे मूव ऑन करा. यू आर माई एवरी थिंग. आपको अपना सब कुछ कह रहे हैं. बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही अच्छे मैसेजेस ये अपने अंदर कैरी कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं आपको बताना. तो वो टाइम भी आएगा जब ये आपको बताएंगे. इसीलिए पॉजिटिव रहिए, प्रार्थना करते रहिए, एफर्मेशंस बोलते रहिए, खुश रहिए और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए. ओके, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. अभी के लिए बस इतना ही गाइज. बाय, टेक केयर.